Sairam, dear children, we shall start our EVS class by chanting Omkar three times. All of you sit straight, join your hands, and close your eyes. सायराम डियर चिल्ड्रन चिल्ड्रन बेटा ये मत करना मैडम के लिए वेट करना कि हम मैडम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं है। टाइम बहुत कम है, आप सबके पास सिलेबस भी आ गया ना, सिलेबस आ गया ना, आपको सबको पता है, तो आप रिवीजन शुरू करिए। फिल इन द ब्लैंक्स हो, नेम द फॉलोइंग्स हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, ड्राइंग हो, सब कुछ आप याद कर एक दो 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 लेसन करके इसको कंप्लीट कर दो, है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपने मैम ने एक काम दिया था आपको कि एक बच्चा सेंटर में है, उसके राइट हैंड, लेफ्ट में और बिहाइंड इन फ्रंट, ऐसे चार चीज बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। कितने बच्चों ने किया, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड गर्वित, आप कॉपी उठा के दिखाओ। यस मैम, मुझसे चेयर नहीं बन पाई पर मैंने कोशिश की थी। नहीं देखो, हम ये पूछ रहे कि पीटर बहुत सुंदर, ऐसे की बात नहीं, आपको कितने समझ में आ गए। टॉपिक की तो जैसे भी जैसे मैंने तो वैसे बनाना चाहिए, है ना, तो यही पूछा है। तो आप ये ड्राइंग अच्छे से नहीं बनना करके छोड़ना नहीं है, हमें ये समझना है कि लेफ्ट राइट बिहाइंड इन फ्रंट आपको समझ में आया कि नहीं। युवराज कॉपी ऊपर करके दिखाओ। मैं बताता हूँ, मैम जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो वाले, हाँ व्हाट्सएप में भेजे। ओके, ये तो बुक की बात है ना बेटा, नहीं नोटबुक है। ओके हाँ 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 पिक्चर नहीं दिख रहा मुझे बेटा, एक पिक्चर भी भेजा था ना मैंने। हाँ ये देखो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का था काम क्लास में ही किया था, हंसी ही नोटबुक में काम दिया था, आपने किया। तो मैं चलो आगे कर लेना, ठीक है ठीक है। ये आपने तो दिखाओ नोटबुक की बात कर रही मैं। मैम नहीं कर रहा। चलो एक बात ध्यान से सुनो, आज ही करना है। यस युवराज, हाँ युवराज ने बनाया, वेरी गुड। देखो युवराज ने बनाया लेकिन ये नहीं है, मैंने दूसरे क्वेश्चन दिया था, मैं सामने देखी बैठी हुई लड़की थी, लड़की या लड़का जो भी है। कि लड़की का पिक्चर मैंने भेजा है, एक सामने देखे बैठी है, ये बुक में दिया हुआ, ठीक है बेटा ठीक है। चलो सबको काम करना है। विधि ने किया, क्या करना है? यस मैम, अभी आप क्वेश्चन देखो, मैं व्हाट्सएप में भेजा है, अंश क्लास में शुरू से बैठा है, अभी पूछ रहे, व्हाट्सएप में सर्च करो, एक क्वेश्चन उसी दिन भेजा, हाँ तीसरे के दिन ही भेजा था। चलो विधि ने किया, यस मैम दिखा। विधि थोड़ा इसको साइड, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ पिक्चर तो दिख रहा है, ठीक है ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है दिख रहा है, फिर भी आपने किया। आप हाथ कटाओ, हाथ कटाओ, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ इसने किया है, टॉफी पेंसिल सब दिख रहा है। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे, हम लोग काम नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत आएगा। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों
कल हम लोग एक ये हमने देखा था रुचिरा के स्कूल घर से कितने टर्न करके जाना, कितने प्लेस को उसको पास करके ही उसको स्कूल पहुंच जाए, ये तो हमने देखा था। ठीक है, देखो कोई ऐसे ही था, मैं पहले आपको दिखा दूंगी। एक मिनट मैं शेयर करके बताऊंगी। मार्सी यू प्लीज टेल मी इज इट विजिबल और नॉट। ओके यस मैम। नाउ यू टेल मी कैन यू सी द लेसन हियर। यस ठीक है, ये देखो उस दिन हमने ये देखा था, डुजिरा के घर यही है, हाउस है, उसके हाउस से लेफ्ट टर्न कर दूसरे हाउस पास करके हैंड पंप है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ट्री है, लेफ्ट टर्न किया बस स्टॉप के साइड स्ट्रेट जाके हॉस्पिटल भी पास करके वो शॉप भी पास करके ट्री भी पास करके वो ट्री आके आके अपनी स्कूल की तरफ टर्न किया। ये सूर्य के घर से स्कूल तक के दूर में कितने उसने टर्न किया है। ठीक है, तो इधर ये सब लैंडमार्क करते हैं, तो कुछ हमें एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पहचानने के लिए है, हम बोलेंगे उसके घर के पास, इसके घर के पास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे से, आगे से, एक तो बरगद का ट्री है उसके पास से, ऐसे हम किसी को रास्ता बताते हैं, है ना। कोई हमसे किसी का घर पूछा तो हम रास्ता बताते हैं, उसको चाय की दुकान के पास है, उससे लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, स्ट्रेट जाना, ये सब कहते हैं, ये रास्ता बताने का, लोकेट करने का है, इसको कहते हैं मैप। ओके, मैप। मैप में क्या होता है, अब मैं बताऊंगी मैप क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये रुजिरा है ना, रुजिरा के हाउस है। अब नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, ये रुजिरा के हाउस के जगह में कुछ पिक्चर या सिंबल या साइन दिया हुआ है ना। देखो एक सिंबल दिया है, ये है रुजिरा के हाउस, है ना। तो ये देखो रुजिरा के हाउस, ये क्या है, कौन बता सकते हैं, अंश बताओ ये क्या है। हाउस हाउस, पेट ये क्या है, हैंड पंप पंप। ओके अर्जुन बताओ व्हाट इज दिस, मेंपाल दिस वन घंटी अर्जुन ट्री, व्हाट इज दिस, हाँ मेंपाल ट्री पार। मेंपाल ओके नाउ 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 विद यू टेल मी व्हाट इज दिस। बस स्टॉप बस स्टॉप, व्हाट इज दिस, वेल मेमोरियल वेल व्हाट हॉस्पिटल इज दिस, पोस्ट पोस्ट ऑफिस, व्हाट इज दिस, देन ऑफिस हॉस्पिटल, व्हाट इज हॉस्पिटल दिस, शॉप शॉप, शॉप शॉप, व्हाट इज दिस, ट्री देन व्हाट इज, स्कूल स्कूल। स्कूल ओके देखो आप भी देखो स्कूल की जगह, अपनी प्लेस की जगह में या ट्री की जगह में कुछ पिक्चर बना हुआ, साइन बनाया या सिंबल बनाया। ठीक है, ये पिक्चर इसको कहते हैं मैप। तो हम मैप से ऐसे रखे हम लोकेट कर सकते हैं, तो हम क्या इधर लिखेंगे, ये वाला, इसके आगे क्या लिखेंगे। बताओ कौन बताएंगे, हाउस किसके हाउस है ये, रुचिरा रुचिरास हाउस लिखेंगे। वेरी गुड सानी, बताओ ये क्या है, हाउस हाउस। अब दिव्यांश बोलो ये क्या है, हैंडपंप। हैंडपंप व्हाट इज दिस, मेंट्री ट्री
ट्री ओके। अभी दिशा बताओ ये क्या है? एल्बम। एक कौन बोल रहा है? अदर बोल रहा है? ओके अदर बोला है क्या? ओके नाउ ओके ओके अब अनिरुद्ध आप बोलो व्हाट इज दिस? ये कौन सा सिंबल है? किस प्लेस को डिनोट कर रहा है? पार्क। पार्क वेरी गुड। अब ये प्लेस क्या है? शैलेंद्र बोलो व्हाट इज दिस? शैलेंद्र बोलो व्हाट इज दिस? शैलेंद्र बोलो जल्दी। मैम वेल। वेल ओके। ये पीकू बोलो व्हाट इज दिस? मैम अभी ये बोला मैम। पीकू बोलो व्हाट इज दिस? मैम पोस्ट ऑफिस। ये क्या है? ये पूछ रही बस स्टॉप। अब ये बताओ ऋषिका बताओ ये क्या है? पोस्ट ऑफिस। ओके अब ये क्या है? मैम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। माधव बोलो ये क्या है? शॉप। शिवम बोलो व्हाट इज दिस? स्कूल। तो स्कूल। देखो स्कूल के लिए ऐसे बड़ा सा स्कूल या हाउस या हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस कुछ नहीं बनाया हम। इधर क्या किया है? सिंपल पिक्चर बना के रखा है। तो सिंपल पिक्चर बना के रखा है उसको कहते हैं मैप। मैप से क्या फायदा है? हम जगह को जल्दी पहचान सकते हैं। देखो अब आपको ये लिखना है, आज आपका ये होमवर्क है, इसके आगे लिखना रुचिराज हाउस, हाउस ट्री हैंडपम्प पार्क वेल बस स्टॉप पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल शॉप स्कूल। ओके ये है रुजिरा के हाउस से स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या है उसका पिक्चर बना हुआ साइन सिंपल बना है। ठीक है इसको क्या कहते हैं शिवम? क्या कहते हैं? कौन सी? इसको ऐसे पिक्चर बना के हम रख एक जगह लोकेट करने के लिए मैप बनाते हैं। तो देखो मैप सिंपल ड्रॉइंग क्या है? सिंपल ड्रॉइंग और पिक्चर विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। एक प्लेस के इंफॉर्मेशन जानकारी मिलने के लिए उधर कुछ पिक्चर के थ्रू हमें बताते ही रास्ते से जाना इधर से जाना लोकेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मैप। So, map is a simple picture or drawing which helps to locate a place by giving information about that place. So, these are called the symbols or signs. Okay. ये map में ऐसे symbol या sign दिखेगा। ये हो गया map। उस map में ये symbols हो गया। Identify. हो गया ना? ये आगे बात समझ में? क्लियर टू ऑल? ठीक है किसी को डाउट है तो पूछना है। हाँ ये देखो अभी हम रुजिरा के हाउस से अपने उसके स्कूल तक के रास्ते में क्या क्या लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टॉप हो गया, वेल शॉप जो भी है। ये गेट क्या? ये गेट क्या है? पार्क का गेट लिखा है। ठीक है ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। अब हम क्या करेंगे? आप भी ऐसे कोई भी एक सिंबल बना सकते हैं साइन। जैसे रुजिरा के हाउस के लिए और कुछ बनाए, जैसे उधर नहीं जो उधर बनाए उसको नहीं रिपीट नहीं करेंगे। आप इधर लिखे बनाएंगे और हम लिखेंगे रुजिरा हाउस। फिर स्कूल के लिए भी आप अपनी मर्जी से एक पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर इधर भी ड्रॉ करना, क्योंकि इधर जो सिंबल्स है सिंबल्स लिखना बहुत जरूरी है तभी समझ में आएंगे ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रुजिरा के हाउस आपने इधर बनाया
लेकिन इधर कुछ नहीं लिखा तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में लिखा है ना। तो रुजिरा के हाउस हमने इधर बनाया, उसी जैसे हाउस हम इधर भी बनाएंगे, स्कूल इधर बनाएंगे, स्कूल के जैसे पिक्चर हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ देखा था? इधर। तो पोस्ट ऑफिस हम इधर ड्रॉ करेंगे और जैसे आप इधर भी करेंगे वैसे के वैसे पिक्चर, सिंबल इधर भी लिखना ड्रॉ करना जरूरी है। ओके चिल्ड्रन, सो आप आराम से इसको कर सकते हैं, अपनी मर्जी से पिक्चर बनाइए, उसी पिक्चर को इधर सिंबल में भी करना, तभी हम लोग इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं। सो लोकेट करना मतलब फाइंड आउट करना, कर कहाँ है। किसी ने आपसे पूछा सानवी, सायरा सानवी, सानवी सिद्धार्थ सायराम, ओके। मान लो स्नेहल के घर के लिए से स्कूल तक आने की रास्ता बताना, ठीक है? स्नेहल सायराम, यस मैम। तो आप घर से निकलकर सीधे चलकर आएंगे स्कूल के लिए? आज नोट करना कैसे निकलते, अपने घर से निकला लेफ्ट टर्न करना या राइट टर्न करना, फिर स्ट्रेट चलना है, फिर स्कूल के गेट आ गया तो स्ट्रेट चलना, फिर लेफ्ट टर्न करना, क्लास कहाँ है, क्लासरूम एंट्री कहाँ है, लेफ्ट है राइट है, जो भी आप थोड़ा सा सभी बच्चे सोच लेना, क्योंकि इससे हमें इजी होता है कि दूसरे कोई आपसे पूछा बेटा कोई भी अंकल का नाम बोला, मैंने गर्वित से पहले भी बोला है कि आप स्वेटर पहनकर बैठा करो, इसलिए आपको ठंड लग रही है, फिर कुछ ना कुछ ओढ़ने का मन करते, स्वेटर पहनकर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ स्वेटर पहनकर, अभी आना है, मत जाना और कहीं। चलो अब ध्यान से सुनो, ये अभी आपसे किसी ने आके पूछा बेटा कोई भी एक अंकल या आंटी का घर बताओ, तो आप बोलेंगे इनके घर के सामने एक शॉप है, उधर से जाओ, इधर से स्ट्रेट जाओ, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, सीधे चलो, ऐसे बोलते हैं ना। उसके घर के पास एक ट्री है, उसके उधर से जगह जाना, उस साइड से नहीं जाना, उस साइड जंगल पड़ता है, मतलब ऐसे आप एक लैंडमार्क बताते हैं, तो ट्री हो गया, चाय की दुकान हो गया, कोई भी शॉप है उसका, ये लैंडमार्क है। इतने आगे समझ में सबको? सो मैप का मतलब ये है, मैप इज अ सिंबल ड्रॉइंग और पिक्चर, तो किसके लिए, विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस, कोई भी एक जगह आपको आराम से फाइंड आउट करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं by giving the information about that place, ठीक है? ये definition आपको याद करना है। anybody wants to ask some questions? I am coming to the class. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. चिल्ड्रन, सो सिंबल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेप, आपने देखा होगा। एक और चीज आपको दिखाना था बुक में, उससे मुझे शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट। आपने देखा हॉस्पिटल में कौन सा सिंबल दिया था? प्लस ये प्लस हम किस सब्जेक्ट में यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए, प्लस करने के लिए। तो प्लस करने का एक साइन हो गया ना, सॉरी ऐड करने का एक साइन हो गया, प्लस साइन और सिंबल हो गया है ना। चलो इसे बहुत सारे सिंबल्स है, मैं आपको एक चीज आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे
बेटा एक सेकंड वेट करना. तो हमने सिंबल से प्लस आपने देखा होगा उसको हॉस्पिटल में. अब कहीं भी जाते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग है उसने क्या क्या सिंबल दिया है. उस रोड से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भी उधर से इन बोर्ड्स रहते हैं. उस एक बोर्ड के बोर्ड लिखा रहता है उसमें साइंस या सिंबल होते हैं, इसको बोलते हैं साइन बोर्ड. आपको सुनाई दे रही है बेटा मेरी आवाज? यस मैम. ओके मैम, तो नहीं दिख रही है आपको? नहीं आपको दिख रही? यस मैम. ओके वन मिनट. वन मिनट बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है. Children, let me to come to the class. Some problem, I can't open the WhatsApp group, so I am showing the textbook itself. I have already took some photographs. It is in my WhatsApp, but I will send you. Okay, you can see it later. Let me to share this only book only. Okay. Okay, beta. Class ko. Badana beta, abhi kha rahe kya? Okay, is it visible? You tell me. Yes, ma'am, visible. ये देखो. See, a list of symbols used in the map is given. Look at carefully. Okay, and write. See. ये देखो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. नहीं, वन मिनट वन मिनट. और नीचे जा रहा है. यस, ये देखो. अब देखो, हम फर्स्ट वाले में देखते हैं. इधर एक कौन सा सिंबल है हमने देखा है? साइन बताओ जल्दी. प्लस हो गया. यस, मैथ्स में हमने ये भी देखा है. ये वाला देखा कभी? व्हाट इज दिस? एम स्कूल. क्या स्कूल के लिए इधर क्या दिया हुआ है? इधर क्या दिया है? प्लस. प्लस दिख रहे आपको? अर्जुन, व्हाट इज दिस? लेट मी टॉट. इंटो दिया हुआ है? इंटो दिया हुआ है. थ्री इंटू फोर, थ्री फोर सर, इंटू मार्क दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ये देखो, इस ये कौन सा शेप बन गया? अर्जुन, विच शेप इज दिस? स्क्वायर. स्क्वायर. विच शेप इज दिस? मैम, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. यस, यू टेल मी, विच शेप इज दिस?
एम कर्ण। समी सर्कल हो गया, सर्कल का था इसकी गेट जो मैम सर्कल होल होता है। हाँ सर्कल का सेमी मीन्स हाफ, सेमी सर्कल ये हो गया सर्कल, ऐसे सिंबल्स दिया हुआ है। जैसे हम लोग इधर भी बहुत सारे देखो आप क्या करेंगे, एक यू हैव सीन अ प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज अ हॉस्पिटल। विच अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड, draw them and write in the up awaaz kat rahi hai ab sahi hai। dekho aap agar maan lo hum school ke samne se nikal rahe to aapne sign board dekha hai kya, bacche school ja do bacche aise school ki taraf chal rahe to iska matlab yahi hai school aage hai, तो ध्यान से सुनना है देखना। और कई बिल्डिंग के सामने लिखा रहता है पी लिखकर एक ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, पार्किंग मैम, इसका मतलब क्या है पार्किंग मैम, पार्किंग उधर पार्किंग नहीं करना चाहिए, इसको काटा हुआ है नो पार्किंग। ठीक है तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं तो मैं आज व्हाट्सएप से आपको भेजूंगी क्योंकि इधर व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है, मैंने कोशिश किया तो नहीं खुल रहा है। ठीक है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी लेकिन आपको वो देखना है समझना है और वो किसके लिए लिखा है वो आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है वो मैं सेंड कर दूंगी, इतने आगे बात समझ में। आप इधर आप देखो ये देखो राइट सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स, क्या क्या सिंबल्स आपने उधर मैथमेटिक्स में सीखा था इधर बताओ, बता सकते हैं डिवाइडेड देखा आपने उसमें? यस मैम। नो मैम। कहाँ किसके लिए देखा था? हमने प्लस देखा है तो प्लस लिख सकते हैं, इंटू देखा तो इंटू लिख सकते हैं। मैम इंटू के लिए स्कूल हाँ हाँ स्कूल, फिर वेल के लिए क्या दिया था, वेल के लिए सर्कल दिया था, वेरी गुड सर्कल। और गेट के लिए क्या दिया था मैम? हाँ हाफ सर्कल को इंग्लिश में और इसमें कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, सेमी सर्कल। ओके और पोस्ट ऑफिस के लिए क्या दिया था? स्क्वायर दिया था। और बस स्टैंड के लिए कौन सा शेप दिया था? बस स्टैंड रेक्टेंगल। ओके तो हम आप क्या करेंगे, ये आपके लिए है, आपको सोच के करना है। शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम टू सिंबल्स, ऐसा नहीं सिंबल देंगे, सिंबल लिख बनाने के बाद आप राइट साइड में सिंबल लिखेंगे। सिंबल का मतलब क्या है, आप इधर क्या सिंबल यूज किया उसी सिंबल को लिखेंगे और क्या है लिखेंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएंगे आपने क्या लिखा है। ठीक है तो एक इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी हमने ये सीखा है इस लेसन में वी वर लर्न अबाउट द मैप। मैप इज अ सिंबल ड्राइंग और पिक्चर, इट हेल्प्स टू लोकेट आवर लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी एक प्लेस को हम जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए देखने के लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे। शिवन्या क्या हो रहा है उधर? मैप तो बनाएंगे, मैप बनाते हैं।
तो मैप के लिए छोटे छोटे सिंबल सिंबल्स ड्रॉइंग्स है उसको कहते हैं सिंबल्स और साइन. इसको क्या कहते हैं? सिंबल्स और साइन. जैसे प्लस साइन दिया था, रेक्टेंगल दिया था, सर्कल दिया था, और हेक्सागोनल दिया था घर बनाने के लिए, पेंटागन दिया था, और किसी में स्टार भी दिया था, किसी रुजिरा के हाउस में स्टार का साइन दिया था, है ना. तो ऐसे हम लिख के उसका साइन होता है उसको कहते हैं जो सिंबल्स और मैप वही रहेगा मैप में. सिंबल और साइन रहेंगे मैप में. इट हेल्प्स टू लोकेट द प्लेस इजली. ठीक है, ध्यान से सुनना. इतना इतनी सी बात है. सो व्हाट इज ए मैप? हु कैन गिव मी द डेफिनेशन? सपोज समबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज मैप. हाँ गर्वित बोलो, गर्वित बोलो मैप. मुझे अभी टॉयलेट आइए. हाँ ओगो ओगो कविश आप बोलो बेटा व्हाट इज ए मैप. कविश नहीं बोल रहा. अनिरुद्ध बोलो. अनिरुद्ध ओके. दिव्यांश आप बोलो बेटा व्हाट इज ए मैप. मैम व्हाट इज ए मैप? मैप इज अ सिंबल ड्रॉइंग और पिक्चर. बोलो मैप इज अ सिंबल ड्रॉइंग और पिक्चर. मैप इज अ सिंपल ड्रॉइंग एंड पिक्चर. ड्रॉइंग नहीं तो पिक्चर रहेंगे. विच हेल्प्स किसके लिए चाहिए? विच हेल्प्स टू लोकेट ए प्लेस. विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस. बोलो विच हेल्प्स locate a place by giving information that place. Okay, Mansi, can you give the answer? What is a map? Map is a symbol of picture. ड्रॉइंग और पिक्चर विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस. देखो अच्छे से सुनो. मैप इज अ सिंपल ड्रॉइंग या पिक्चर है. किसके लिए चाहिए? विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस. क्लियर? मैप इज अ सिंगल ड्रॉइंग और पिक्चर विच हेल्प्स टू locate a place. Arjun, can you give the answer? What is the map? Micon. Map. ऐसी चीजें जिससे हम location देख सकते हैं. हाँ, location देख सकते हैं. देख के जा सकते हैं. Try to speak in English. Map is a helpful thing. It can locate the location. Map is a symbol, picture or drawing which helps to locate a place. Okay, giving information about that place. अभी इसको याद करना. Okay, Ayushi, can you give that definition? आयुषी स्नेहल आप बता सकती है? आयुषी बोले. हाँ शिवम बोलो. वेरी गुड. मैप इज द सिंबल्स लुक एट द पिक्चर्स. ही इज क्यों हमें ये मैप की जरूरत है? मैप से हमें जल्दी जगह ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं. जल्दी ढूंढ सकते हैं, है ना.
हम जल्दी लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैप इज अ सिंबल ड्रॉइंग और पिक्चर विच हेल्प्स टू लोकेट ए प्लेस बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. उसके उस प्लेस के बारे में जानकारी देते हैं, उसको कहते हैं मैप. मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, दो तीन बच्चे आउट हो गए. ओके नाउ चिल्ड्रन, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट, यू हैव लर्न इट, रीड द टेक्स्ट बुक. सो मेनी थिंग्स यू हैव टू ड्रॉ इन द टेक्स्ट बुक एंड आई विल सेंड द डेफिनेशन ऑफ मैप. You have to write it in your notebook, okay? Next one is देखो हम अपनी बुक में बहुत सारे जगह के लिए ऐसे लैंडमार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, बस स्टॉप हो गया, और पोस्ट ऑफिस हो गए, लैंडमार्क हो गए, जैसे और भी हम यूज करते हैं. क्या क्या पता है आपको? बिल्डिंग के लिए, स्ट्रीट के लिए हो गया, पार्क के लिए हो गया, ब्रिज के लिए हो गया. ब्रिज मालूम है क्या है? ब्रिज क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज? विधि आप बता सकते हैं ब्रिज व्हाट इज द मीनिंग? मैम पुल. वेरी गुड. ये विधि क्या है ब्रिज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज? ओके ओके चिल्ड्रन, सो आई विल गिव यू सम वर्क, आई विल सेंड ओके थ्रू व्हाट्सएप. यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू सी. चिल्ड्रन आई हैव ऑलरेडी सेंड सम रिविजन वर्क, यू हैव टू डू इट. हाउ मेनी? अथर्व 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 क्या हो गया? अदर वीडियो ऑन करो, मैं आपको देखना चाहती हूँ. खुशाग्र अदर आपने जो रिविजन वर्क किया क्या? अदर अदर जो रिविजन के लिए तो इतने मार्कशीट मैंने भेजा, आपने किया? यस मैम. कल या परसों भी एक वर्कशीट भेजा था, आपने किया? यस मैम. वेरी गुड. आपको कोई डाउट है? कितने बच्चों ने किया? हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. स्नेहल नहीं किया बेटा? बेटा करो, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है चलो, हम नेक्स्ट एक क्लास में हम सीखेंगे क्या है A beautiful cloth. इसके बाद revision. Okay children, अब इतना हमने सीखा है. आपको मैंने एक काम इतना अच्छा drawing करने के लिए दिया, किया नहीं बहुत सारे बच्चों ने. Notebook में करना था. अर्जुन आपने किया था बेटा? Yes, एक ma'am, मैंने. You did. Show me the notebook. ऊपर करो. सबको बता दो. मेरी आंखें थोड़ी खराब हो रही है, प्रिंट आउट करके आया. बेटा आप ड्रॉ ही करो ना, प्रिंट आउट काहे के लिए करना? बीच में अगर वो लड़की का पिक्चर नहीं बना पा रहे, अब उसका नाम लिखो, लेकिन फेस तो बनाओ फेस, क्योंकि हमें देखना कहाँ फेस कर रहे. पीछे मुड़कर बैठे, सामने देखे बैठिए, इसलिए फेस बनाओ. इतना तो बना सकते ना, तो आगे है तो उसको फेस आइज ना हो, माउथ सब बनाया तो फेस बनाया है ना, तो पता चलते फॉरवर्ड इन फ्रंट या बैक साइड, पीछे मुड़ के है, सामने देख के बैठिए. तो इसके लिए आप उसको ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत है, तो सिर्फ फेस बनाओ और जो दोनों चारों साइड में है ऑब्जेक्ट उसको बनाओ, तभी पता चलता है कि आपको डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं. राइट लेफ्ट इन फ्रंट और बैक है ना, बिहाइंड, ये सब समझ में आया कि नहीं देखना है, करके बताना नेक्स्ट क्लास में.
ओके चलो जो भी काम रह गया है आप कर लो, मैं आज ही थोड़ा सा और काम सेंड कर दूंगी मैप के बारे में। ओके ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडेज क्लास बाय शांति पाल। ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। साई राम चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वन थिंग, आई हैव सेंड द रिलीज द स्कोर जाना नहीं है। कल मैंने भेजा था स्कोर रिलीज किया, सबने देखा? मैम पीहू ने देख लिया। वेरी गुड, पीहू को कितने मार्क्स मिला है? अर्जुन को मिल गया। मैंने भी देख लिया। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने भी देख लिया 14 मार्क्स। ओके नाउ यू कैन लीव द क्लास। मैम मुझे ना पढ़े ना सबको सब देख आ रहा। देख लिया ना? वेरी गुड, यू कैन लीव द क्लास। ओके बाय सारा मैम, बाय मैम, बाय बाय। मैम आईटी स्कोर रिलीज नहीं हुए व्हाट डू जस्ट ईमेल पे को